ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें मुख्यमंत्री का महत्वपूर्ण निर्णय सामने आया है। नए जिलों के गठन के लिए उच्च स्तरीय समिति को मंजूरी दी गई है। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी राम लुभाया को इस समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। प्रमुख शासन सचिव राजस्व समिति के सदस्य सचिव होंगे प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास पंचायती राज, प्रमुख शासन सचिव वित्त या उनके प्रतिनिधि जो विशिष्ट शासन सचिव स्तर से नीचे ना हो, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि जो विशिष्ट शासन सचिव स्तर से नीचे ना हो, समिति में सदस्य के रूप में सम्मिलित किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। सुशांत पारिक हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सुशांत, क्या कुछ कहा गया इस फैसले में? देखिए, हमने देखा था इस बार कई विधायकों की मांग थी, मुख्यमंत्री से उम्मीद थी कि बजट में घोषणा करेंगे, लेकिन चूंकि बजट में घोषणा नहीं हो पाई, सीएम ने रिप्लाई में जरूर कहा था कि इस संबंध में एक कमेटी का गठन होगा और कमेटी 6 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। फाइनली वो कमेटी गठित हो गई है। रिटायर्ड आईएएस हैं राम लुभाया, उनको समिति का अध्यक्ष बनाया गया। और अच्छी बात ये कि ज्यादा समय नहीं दिया गया है कमेटी को, केवल 6 महीने में ही सभी जितने विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जहां जहां से मांग हो रही है उन सभी से बात करके क्या गुणा भाग आवश्यकताएं हैं, किस तरह की रिक्वायरमेंट है, तमाम पहलुओं पर विचार करके कमेटी रिपोर्ट देगी और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री इस पर विचार करेंगे। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि अगले बजट में हमें जो है राजस्थान में कुछ नए जिलों की संभावनाएं नजर आ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत तमाम जानकारी के लिए।